मेरा गाड़ी फाइनल हो गया, अब चला के चेक कर रहे हैं। तो हो गया भैया, आराम ओके है। पहले क्या दिक्कत था? पहले दिक्कत था कि गाड़ी नहीं चल रहा था। क्या मतलब समस्या? समस्या कि एक्सीलेटर लगा देते थे, गाड़ी नहीं खींच रहा था। मतलब एक्सीलेटर बाहर लाद देने से गाड़ी पिकअप नहीं चल रहा था। आप कैसा है? एकदम फ्री है। स्कॉर्पियो क्लासिक 1। तो कैसे दोस्तों, तो आज का वीडियो है मेरे पास स्कॉर्पियो क्लासिक, और आज हम गाड़ी चला के चेक कर रहे हैं इस गाड़ी में समस्या क्या है। इस गाड़ी में जो फॉल्ट आ रहा है डीपीएफ का, इस गाड़ी का 60 से ऊपर पिकअप नहीं जा रहा है। एक्सीलेटर पूरा दाब दिए हुए, आपको प्रॉब्लम भी शो कर दे रहे हैं। और अभी वही गाड़ी में मैं चला के चेक कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास कस्टमर है, बोलेंगे ये समस्या है। तो अभी हम चेक कर रहे हैं चला के इसमें प्रॉब्लम हो क्या रहा है। तो इसमें आ रहा है डीपीएफ का, तो हम अभी आपको मीटर में दिखा दे रहे हैं। और आपको यहाँ पे देखिए एक्सीलेटर दावे हुआ पूरा। हमने आपको समस्या बताया इस गाड़ी में कहाँ पे है, और आपके पास भी ये फॉल्ट आ सकता है आपके भी गाड़ी में, या आपके पास भी ये गाड़ी आता होगा इसके लेके डीपीएफ का जो पिकअप नहीं लेता है। तो चलिए आज मेरे पास टूल है 74 का, उसे डायग्नोस करेंगे, आपको प्रॉब्लम बताएंगे। तो आज मेरे पास गाड़ी है स्कॉर्पियो क्लासिक। तो इस गाड़ी में जो दिक्कत आ रहा है, जो प्रॉब्लम है, इस गाड़ी में जो समस्या आ रहा है पिकअप नहीं ले रहा है। तो इस गाड़ी में अभी हम चला के जो चेक किया है अभी पता, इस गाड़ी में डीपीएफ का प्रॉब्लम आ रहा है। तो चलिए डायग्नोस करके आपको बताते हैं इस गाड़ी में कहाँ पर समस्या है और क्या फॉल्ट कोड है। तो आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो करते हैं डायग्नोस। इंडिया महिंद्रा तो हम करते हैं डायग्नोस रिफुल कोड। तो यहाँ डीपीएफ सूट मास वेरी हाई। अब इसका चेक करते हैं हम कि सूट मास कितना हाई है। तो चलिए नीचे चेक करते हैं। तो देखिए 59.31 जो तीर का निशान है, सूट मास वेरी हाई। सबको एक है कि हम रीसेट करेंगे, जो यहाँ पे देखिए सबको एसीआर डीपीएफ ये सबको रीसेट बढ़िया अच्छी तरह से करना है आपको। जब तक आप रीसेट नहीं करिएगा तो इसका सूट मास कम नहीं होगा। जो आपको 59 से है, जब तक रीसेट नहीं करिएगा, थोड़ा धूप का दिक्कत है इसीलिए नहीं दिख पा रहा है, क्योंकि आए हुए बाहर गाड़ी के बनाने इसीलिए नहीं दिख रहा है। थोड़ा फ्रेश दिखाने की कोशिश करते हैं। तो एक है कि हम सबको रीसेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए सूट मास अपने हम कम करेंगे, उसके बाद ही गाड़ी का रीसेट होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब तक सूट मास कम नहीं होगा, आपकी गाड़ी का डीपीएफ रीसेट चालू नहीं होगा। तो चलिए पहले सबको फटाफट रीसेट करते हैं। रीसेट करने के बाद उसके बाद ही आपका सूट मास कम होगा, तभी डीपीएफ रीसेट चालू होगा। तो फाइनल हम कर दिए, अब चेक करते हैं इसमें सूट मास रीसेट करके हो रहा है कि नहीं, क्योंकि हमने एसीआर का भी जो कोड बना था इसका, उसको भी रीसेट कर दिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सूट मास हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ देखें 17 पॉइंट हो गया कम करते करते। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि तब का सूट मास कम नहीं होगा जब तक आपका डीपीएफ रिएक्शन चालू नहीं होगा। तो यहाँ पे अलाउ मार रहा है, रिएक्शन सक्सेस प्लीज वेट स्टार्ट। ये अभी स्टार्ट नहीं हुआ, फिर से चेक करते हैं, क्योंकि स्टार्ट होता तो कंटिन्यू कर, फिर से स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो चलिए एक बार ओके, गाड़ी को रेस्ट छोड़ देना है। अब करते हैं सक्सेसफुल, हाँ तो यहाँ पे मेरा डीपीएफ रिएक्शन चालू हो गया स्टार्ट। डीपीएफ रिएक्शन चालू है, अब हमको वेट करना है कब तक, ये कब तक होगा। जब तक वेट करना है 20 से 30 मिनट तक लगेगा टाइम, तब तक वीडियो को ऑफ करते हैं, और जैसे कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको फाइनल दिखाते हैं सक्सेसफुल करके, और गाड़ी चला के इस गाड़ी का सूट मास कम हुआ कि नहीं, और ये भी आपको स्कैन करके चेक करा देंगे। फोन को चेक करते हैं, नो डीटीसी। मेरा गाड़ी फाइनल हो गया, अब चला के चेक कर रहे हैं। तो हो गया भैया, आराम ओके है। पहले क्या दिक्कत था? पहले दिक्कत था कि गाड़ी नहीं चल रहा था। क्या मतलब समस्या? समस्या कि एक्सीलेटर लगाते थे, गाड़ी नहीं खींच रहा था। मतलब एक्सीलेटर बाहर लाद देने से गाड़ी पिकअप नहीं चल रहा था। आप कैसा है? एकदम फ्री है। काम किया इसका डीपीएफ रीसेशन हुआ, उसका गाड़ी कंप्लीट जी, कोई ये सर का गाड़ी हुआ स्कॉर्पियो क्लासिक। तो काम से संतुष्ट है? एकदम संतुष्ट है, ओके है। चलिए
फिर अभी नेक्स्ट कोई वीडियो में मिलेंगे।